एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनस्वी और अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो ना तो आपको पता होगा कि मैं हेयर केयर स्किन केयर ब्यूटी रिलेटेड वीडियो लेके आती हूं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है नेचुरल प्रोडक्ट कितना इफेक्ट करता है आपके बालों को और कितना वो आपके बालों को इम्प्रूवमेंट करता है, उस चीज पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरी इस सीरीज को फॉलो ना किया हो ना तो जल्दी से जाके मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट हेयर केयर का अवेलेबल है उस पे जाके फॉलो कीजिए और इस पूरी सीरीज को आप फॉलो करोगे तो आपका जो हेयर है वो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, उसी के साथ साथ हेयर ग्रोथ बढ़ेगा और आपके बाल हेयर फॉल होना कम हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट की। नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो हमें हमारे घर पे आसानी से जो मिल जाते हैं उसे हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं। उसमें काफी ज्यादा केमिकल प्रोसेस नहीं की होती है। वो चीजें जो हमारे हेयर को इफेक्ट करने में ना काफी ज्यादा टाइम लगाती है, अगर हम कोई भी केमिकल प्रोसेस के साथ जाते हैं तो वो तुरंत आपके बालों को इफेक्ट देगा। यानी कि अगर मैंने हेयर फॉल कम करने के लिए जो टेबलेट्स आती है वो खाई है तो डेफिनेटली हमारे बाल जो है 5 से 6 दिन में हेयर फॉल होना कम हो जाएंगी, यानी कि बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो तुरंत इफेक्ट करती है। उसमें ऐसे केमिकल डाले हुए हैं जिससे आपके बालों को बहुत असर होता है, लेकिन वो असर जब आप टेबलेट को बंद करते हो वो तुरंत ही हेयर फॉल होना डबल से शुरू हो जाते हैं। वो सीन जो है वो आपके साथ नेचुरल प्रोडक्ट में नहीं होने वाला है। नेचुरल जो प्रोडक्ट है आपके जो हेयर है ना वो उसे धीरे धीरे इफेक्ट करती है, यानी कि अगर उस चीज का आपको प्रॉपरली इफेक्ट चाहिए तो वो इफेक्ट के लिए आपको 6 से 7 बार कंटिन्यूअसली उसको करना पड़ेगा। और उसमें एक सबसे बड़ी चीज है, सेम क्वांटिटी हमें रखनी है, उसी के साथ साथ उसके जो डेज है ना वो हमें काउंट करके रखने हैं। यानी कि हर 15 दिन में हम वो चीज यूज कर रहे हैं तो कम्प्लीटली 15 दिनों में हमें उस चीज का यूज करना ही है, तभी वो चीज हमें इफेक्ट करती है। उस चीज को कंटिन्यूअसली हमें 3 to 4 मंथ करना पड़ेगा, तब उस चीज का इफेक्टिव रिजल्ट हमें देगा। और उसको यूज करने के लिए ना एक सबसे बड़ी चीज है, अगर आपको यूज करना नहीं आता है, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्पेशल डॉक्टर उसके लिए नहीं चाहिए, या तो फिर आपको पैसे बर्बाद करने की कोई भी नीड नहीं है उसे यूज करने के लिए, अगर आप उसे कम या ज्यादा क्वांटिटी में भी खा लेते हो या यूज कर लेते हो तो वो आपको नुकसान तो नहीं करेगा, भले ही फायदा करे कि ना करे लेकिन आपके बॉडी को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। जब भी नेचुरल प्रोडक्ट के साथ आप जाते हो ना तो इक्वल क्वांटिटी लो, कोई भी चीज ले रहे हो उसको इक्वल क्वांटिटी में लो। जैसे कि हम लोग कोई भी मास्क बनाते हैं उसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है, जैसे कि हम लोग कर्ड मास्क बनाते हैं तो कर्ड इंग्रेडिएंट सबसे मेन है, उसी के साथ हम लोग दूसरे तो लेने ही वाले हैं लेकिन कर्ड सबसे ज्यादा है। जो कर्ड है वो 4th साइज का होगा और बाकी जो है वो 1 साइज होंगे, मतलब कि एक जो लेवल है वो हाई होगा दूसरों का लेवल कम होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो कर्ड की इफेक्ट है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ जो बाकी इंग्रेडिएंट है वो उसे उसकी इम्प्रूवमेंट में मदद करेंगे। अगर कोई भी चीज हम लोग यूज करते हैं तो उसके रेशियो के हिसाब से ही डालें कभी भी। और मस्ट एक चीज है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ नहीं आती है तो उस चीज को अपने स्किन टोन पे यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे उसे यूज कर लो तो समझ आ जाएगा कि वो आपकी स्किन को कितनी इफेक्ट करती है, फिर ही अपने हेयर में या स्किन पे अप्लाई करो। मैं आपके साथ कोई भी मास्क शेयर करती हूँ ये मतलब नहीं है उसका कि हाँ उसको यूज करने से आपको कम ही हो जाएगा। कोई कोई चीज की आपकी स्किन को एलर्जी होती है, वो आपकी स्किन को इफेक्ट करने की वजह उसके गलत तरीके डिसएडवांटेजेस ज्यादा देते हैं, तो कभी कोई भी चीज यूज करने से पहले उसका पैच टेस्ट जरूर से लो। और कोई भी चीज को यूज कंटिन्यूअसली आप 10-15 दिन तक मत डालो, कुछ भी चीज को यूज कर रहे हो उसे 5-15 दिन का गैप दो या तो फिर 1 वीक का गैप दो, फिर ही उसे अप्लाई करो अपने हेयर में, तो डेफिनेटली आपके हेयर में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाला है। इसमें ये नहीं होता कि मुझे ऑनियन वाटर सेट हो गया है तो वो आपकी स्किन को भी इफेक्ट करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी स्किन में जो आपके हेयर फॉल हो रहे हैं उसे डबल बढ़ा दे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ट्राई करना बंद कर दो। उसके सिवाय आप ये करो कि उसको तो कंटिन्यूअसली शुरू रखो, उसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐड करते रहो या तो फिर कम करते रहो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ऑनियन की जगह आपको दूसरा कोई उसमें आपने कुछ डाला होगा जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सोच के कम्प्लीटली बंद मत कर दो कि ये इफेक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंगल सिंगल इंग्रेडिएंट को अपने हेयर में ट्राई करो और उसकी इफेक्ट देखो। कोई भी चीज की इफेक्ट अगर आपको 2% भी दिख रही है मतलब वो आपकी स्किन को या हेयर को इफेक्ट कर रहा है, उसे कंटिन्यूअसली आप 20 से 25 दिन 30 दिन उसे यूज करो ताकि आपको वो
बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। तो कुछ इसी तरीके से हम नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट हमारे हेयर और स्किन को काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देती है कम्पेयर टू केमिकल प्रोसेस। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।